मैं विकास गौड़, इस समय मैं हूँ अलीगढ़ अनाज मंडी में। यहाँ पे आप आवक देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आई है, तो बात करेंगे यहाँ पे आढ़तियों से, जानेंगे आज की आवक कितनी रही, क्या भाव देखने को मिले और गेहूँ के बाजरा के सभी भाव जानेंगे। तो इस समय मैं हूँ बालाजी ट्रेडिंग कंपनी वालों के पास, चलिए मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देता हूँ आज की स्थिति क्या रही, कितनी आवक आई है धान की। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार साहब, तो आज धान की आवक बताइए अलीगढ़ मंडी की। ऐसे होगी 80,000 बोरी के लगभग। 80,000 बोरी, तो कल से लगभग डबल आवक है आज। हाँ, कल से कल 40,000 के आसपास थी, तो आज भाव में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सेम ही रेट, मान लो थोड़ा अंतर है हल्का। मतलब अंतर क्या, तेजी की तरफ है डाउन की तरफ है? कुछ तेजी है हल्का सा, 5-10 रुपए का अंतर तेजी की तरफ है। मतलब डबल आवक पे भी मतलब धान में कुछ तेजी है? तेजी है, कोई वो ज्यादा समझ नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करें अगर सुगंधा धान की, आज का क्या रेट है? सुगंधा 2655 रुपए। 2655 सुगंधा। तो और बात करें 15-09 की जो कंबाइन की है? कंबाइन की 2755 रुपये कंबाइन। 2755। और हाथ वाली कंबाइन की? हाथ की 3070 रुपये। 3070। तो हाथ और कंबाइन में बड़ा अंतर हो गया, 400 रुपये तक का अंतर हो गया। हाँ, अंतर है मतलब 350-400 का। हाँ, 350-400। अच्छा बात करें जैसे 17-18 धान की, 17-18 भैया धान बिका 3635 रुपये। 3635। तो इसमें तो आज 10-20 रुपये और तेजी है। और इसकी तुम्हारे 1847 की, 2837 रुपये का। अच्छा बढ़िया, 2830 बढ़िया क्वालिटी का। अच्छा सरबती धान का क्या रेट रहा आज? सरबती भैया 2560 रुपये का। 2560। तो सरबती भी सही चल रहा है अभी? सरबती भी सही चल रहा है। और बात करें जैसे आज वो यहाँ पे वो धान आता है जैसे RS10 है या और वैरायटी जो भी है? वो कम आता है, उसकी कोई ज़्यादा अच्छी खासी डिमांड नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ ज्यादातर मंडी में यही आता है। अच्छा, अगर जैसे RS10 वगैरह आता है तो इसका लगभग क्या रेट माने सरबती के आसपास? सरबती के आसपास ही रहता है, 2300 के लगभग, 2300-2400। अच्छा अच्छा, RS10 की डिमांड नहीं है यहाँ पे? नहीं, RS10 डिमांड। अच्छा वो आ रही है यहाँ पे जैसे 17-18 तो 3600 कुछ बिक रही है, एक वैरायटी और आती है 1121। 1121 भी आवक बहुत कम है हमारे यहाँ। कम है अभी? नहीं आई है। नहीं आई है लेकिन आवक कम है उसकी, तो कम थोड़ी डिमांड कम है उसकी। अच्छा, जैसे अगर वो आई थी तो क्या रेट बिकी थी लमसम? वो आपकी मान लो 3800 किलो, 3800 के आसपास बिकी है। अच्छा 1121 3800, 17-18 मतलब 3535। अब बात करें जैसे गेहूँ की, आज के गेहूँ के रेट क्या माने? 2800 की पोजीशन में। 2800 की। और बाजरा की? बाजरा 2400 की पोजीशन है। 2400। और मक्का तो खैर आई नहीं रही है। सरसों क्या है? सरसों, सरसों भी ये कम आ रही है, कम आ रही है। चलो तो यही रेट है। मतलब अब क्या लग रहा है बाजार, अब ये तुम्हारा 3100 तक पहुँच सकता है हाथ वाला? नहीं, हाथ वाला पहुँच जाएगा कुछ 3100 में। क्या रह गया, 30 रुपये रह गया। 30 रुपये का है, 3000 तक हो गया आज, पहुँच जाएगा 3100 के आसपास, पहुँचने वाला पार पहुँचेगा। अच्छा 3100 अगर पार पहुँचेगा उसी दिन, मतलब अब मतलब जो वो वाला रेट आ गया जो एक बार सबसे पहले बाजार पहुँचा था। हाँ हाँ, आता जा रहा 3160 का, मतलब 3060 का था वो। हाँ हाँ, अब वो आता जा रहा रेट, वो तो पार हो गया आज। तो पार हो गया 70। अब 3100 की तरफ बाजार में देखना है आज। बढ़िया। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं अब आवक इससे और बढ़ेगी कि अब कम होंगी? नहीं, आवक तो भैया बढ़ रही है, डेली बढ़ रही है। अच्छा, तो हार के बाद ऐसा लग रहा था कि अब धान नहीं है, अब फिर आवक बढ़ती आ रही है। नहीं नहीं, धान तो है कर अभी मंडी, लेकिन ये अलीगढ़ मंडी में बढ़िया बात है कि मतलब आवक ज़्यादा है फिर भी कोई फर्क नहीं है धान में तेजी। रेट पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात और बताओ, मतलब जैसे धान अभी जो आ रहा है हमारी अलीगढ़ मंडी में, तो ये धान मतलब आज बिक्री पूरी हो जाएगी 80,000 पैकेट की? नहीं, हो जाती है बिक्री पूरी, हो जाती है। अब तो पूरी हो रही है, ले वाली अच्छी है, मतलब ले वाली सही है। चलो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आइए फिर। चलो तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार जी। नमस्कार।